हेलो गाइस, कैसे सब? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको अपने हाउसेस दिखाने जा रहा हूँ जो कि गेटर प्रोजेक्ट में रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी हाउसेस बने हुए हैं, इसमें से काफ़ी सोल्ड हो चुके हैं, कुछ हमारे पास रहते हैं जो आप परचेज़ कर सकते हैं हमसे। ये जो हाउसेज देख रहे हैं, इसमें हमारे पास 3 BHK हाउसेज अवेलेबल है आपके लिए, और ये गेटेड प्रोजेक्ट रहेगा। अब मैं आपको हाउस के अंदर लेके चलता हूँ, उसका विज़िट करवाता हूँ। गेट के एंटर करते ही आपका कार पार्किंग स्पेस एरिया मिलेगा, उसके साथ ही राइट साइड में आपको वाटर स्टोरेज टैंक मिलेगा जो हम बना के देंगे आपको। ये आपका विंडो रहेगा, ऊपर डिज़ाइन, ये जो डिज़ाइन निकाले हमने एलिवेशन के पर्पज़ से निकाले हैं। साथ ही एंकर के स्विचेस मिलेंगे, वी गार्ड की वायरिंग मिलेगी, इसमें आपका स्टील वर्क रहेगा रेलिंग पे, जो मेन गेट है वो भी आपको स्टील वर्क से मिलेगा। ये आपका नेट डोर आ जाता है, इसके साथ ही मेन डोर आ जाता है जिसमें सागवान और टिक प्लाई का काम है। अंदर हॉल में एंटर करते ही आपको 8 सीटर सोफे की कैपेसिटी के साथ मिलेगा, स्पेस मिलेगा, आप इस हिसाब से अपना सोफ़ा प्लेस कर सकते हो। इसके साथ ही जो स्पेस रहता है, यहाँ आप डाइनिंग टेबल अपना प्लेस कर सकते हो। इसका LED पैनल रहेगा, ये आप अपनी चॉइस से बनवा सकते हो। साथ ही हम ये आपको वॉलपेपर की चॉइस भी साथ में देंगे, ये बीच में देंगे। लाइटिंग्स आपको बीच में मिलेगी, और ऊपर सीलिंग का वर्क हमने बहुत ही खूबसूरत, आप जैसे कितना अच्छा सा लग रहा है। इसमें टीक प्लाई का काम हुआ, वुडन वर्क किया गया है। साथ में आपको झूमर जो इसमें आपको नहीं मिलेगा, ये आपको झूमर आपको बीच में नहीं रहेगा। आपको फ़ैन आपके उषा कंपनी के लगे हैं, जैसे कि LED पैनल है। इसके साथ ही आपको किचन आ जाता है, मॉड्यूलर किचन, इसमें हम आपको काफ़ी स्पेस मिलेगा, 8x8 का किचन रहेगा। तो सबसे पहले हम ये दे रहे हैं आपको पेंट्री, इसमें आप जो स्टोरेज फ्रिज में नहीं रखते सामान वो आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं, ये हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, कोई भी बिल्डर यहाँ नहीं डालता। इसके साथ ही आपको डबल सिंक रहेगा, सीरा की फिटिंग की आपकी बाथ फिटिंग रहेगी, जो भी टैप्स हैं सीरा की फिटिंग्स के रहेंगे। और साथ ही आपको नीचे स्पेस मिलता है, यहाँ पे ये आपका गार्बेज एरिया आ जाता है, यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस है, आप बर्तन स्पेस। यहाँ पे आपको कॉर्नर्स मिलेंगे जो कि हाइड्रोलिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब थोड़ा सा खींचने पर अपने आप बाहर आएंगे, थोड़ा सा अंदर पुश करने पर अपने आप अंदर जाएंगे। आप यहाँ अपना सामान ईजिली प्लेस कर सकते हैं और ईज़िली निकाल सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ कॉर्नर सॉफ्ट क्लोज़र मिलेगा, उसमें एक शीट यूज़ होती है, वो आपको रिमूव कर सकते हैं उसको। साथ ही ये भी सॉफ्ट क्लोज़र रहेंगे, आप ज़ोर से मारोगे तब भी आराम से जाएगा। तो ये हम आपको दे रहे हैं, इसके साथ ही मार्बल वर्क देंगे। ऊपर जो कपबोर्ड है हम हाई लेवल तक दे रहे हैं, और इसमें जो शीट हमने यूज़ की थी सनमाइके की नहीं, PVC शीट की यूज़ करी हुई है, जैसा कि ये वाइट सी PVC शीट है, ना कि सनमाइका। साथ ही इसको ओपन करने से आपको शॉकर मिलेंगे, हम फुली इसको मॉडल बनाने का थोड़ा सोच के वर्क किया है, शॉकर के साथ वर्क किया है यहाँ पे। तो ये काफ़ी आपके पास स्पेस, आप अपने बड़े बर्तन ऊपर स्पेस पर स्टोर कर सकते हैं। यहाँ आर ओ की आपकी फिटिंग के लिए पॉइंट दिए गए हैं, बाहर अच्छा नहीं लगता इसलिए हमने इसको अंदर ही डाला है। साथ ही ऊपर यहाँ पे आपका गीजर का पॉइंट है, वो भी अंदर डाल दिया गया है, अच्छा स्टैंड रहेगा। ये विंडो है आपकी, जिसमें भी सागवान का काम है लकड़ का, और यहाँ पे आपका फ्रिज स्पेस बचता है, फ्रिज को प्लेस कर सकते हैं आप। इसके साथ ही हम रूम में आ जाएंगे, ये हमारा फर्स्ट रूम रहेगा। तो ऊपर आपको सीलिंग मिलेगी डिज़ाइनर, साथ ही आपका ये बेड प्लेस करने के बाद भी आपका कितना स्पेस बचता है, ये LED पैनल आ जाएगा। ये मेकअप के लिए रहेगा, लेडीज़ की काफ़ी ज़रूरत होती है। साथ ही इसका कपबोर्ड आ जाएंगे जो कि ऊपर तक हमने बनाए हुए हैं। तो ये हमारा बाथरूम आ जाता है, इसमें भी 10 फुट तक हमने टाइल वर्क किया है। साथ ही इसमें बाथ फिटिंग जो सेरा कंपनी की करी हुई है। ये गीज़र का पॉइंट आपको बीच में मिलेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम, अब हम चलते हैं सेकंड बेडरूम की ओर। उसके साथ ही हमारा सेकंड बेडरूम आ जाता है, इस पर भी अब सीलिंग का काम जो डिज़ाइनर तरीके से किया गया है, और लाइटिंग का पूरा आपको मिलेगा। इसमें AC पॉइंट बीच में दे रहे हैं हम। ये बेड लगने के बाद भी काफ़ी स्पेस बचता है, इस हिसाब से बनाया गया है। ऊपर तक हम कपबोर्ड बना के दे रहे हैं इसमें। तो ये जो
डोर है ये भी हाइड्रोलिक है, अपने आप आराम से जाएंगे, ना कि ज़ोर से बजेंगे। इसके साथ ही हमारा आ जाता है अटैच बाथरूम सेकंड बेडरूम का, इसमें भी आपको मेकअप का जो है वो बना के देंगे, LED LCD पैनल देंगे। ये बाथरूम में आपको सेम हैंगिंग शीट रहेगी, वाश बेसिन रहेगी, सेरा कंपनी की सारी बाथ फिटिंग रहेगी। 10 फुट तक पूरा एरिया कवर किया गया हमने टाइल से। तो ये था हमारा सेकंड बेडरूम। तो कैसी लगी हमारी वीडियो को? अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।